विटामिन डी, B12, कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स जो मोरिंगा से मिल जाता है, इनकी भी कमी के कारण से ये नसों में खिंचाव और दर्दें होती हैं। एक तो ये जो पुनर्नवा मैंने बताया था साठी, उसके पत्ते से लेकर के उसकी जड़ से लेकर उसको पूरा पंचांग उसको उबाल देते हैं। नहीं तो ये जो पीड़ांतकवात है, पीड़ांतकवात ये बड़ा ज़बरदस्त है वीरकोज वेंस के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए। सूजन जहाँ ज़्यादा होती है तो उसमें सर्वकल्पवात जहाँ पेट की बीमारियों के लिए अच्छा होता है वहाँ, इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई होती है तो सूजन को उतारने में ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये सर्वकल्पवात पी लें और ये क्वात बड़ा ज़बरदस्त होगा। फिर दूसरा, 2 चम्मच गाय का घी, हाँ घी 2 चम्मच ज़रूर खाना चाहिए। 2 चम्मच गाय का घी लिया, अब हमने थोड़ा सा हलवा ज़्यादा बनाना इसलिए हम 4 चम्मच ले लेते हैं। और इसमें ये अखरोट का पेस्ट, अखरोट रात को भिगो दिया और सुबह उसका पेस्ट बना लिया, ये अखरोट का पेस्ट, ये अखरोट का पेस्ट और ये बादाम का पेस्ट, अब इसको अच्छे से भून लेंगे जैसे हम सूजी को भूनते हैं, ऐसे इसको भून लें। और भून करके फिर इसके अंदर जो है, लोग चीनी की चाशनी बनाते हैं, हम लोग खांड और शक्कर की चाशनी बनाते हैं। इसकी खांड और शक्कर की चाशनी बना करके और फिर इसके अंदर डाल देंगे तो बादाम और अखरोट का हलवा बनता है। तो गाय के घी में अच्छे से भून करके, इसके लाभ बहुत हैं, इससे ताकत पूरी मिलती है और सेहत पूरी बनती है।